हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हॉटस्टार की नई वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो की, और जानेंगे इसके एंड में क्या हुआ और जो काफी बड़ा क्लिफहैंगर छोड़ के जो ये सीजन गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो ये शो जो है वो ड्रग कार्टेल के ऊपर है। इंडिया में तीन ड्रग कार्टेल होते हैं, एक सिल्वर गैंग, एक पर्ल और तीसरा गोल्डन। तो सिल्वर गैंग का जो लीडर होता है उसका नाम होता है मंक, और उसका जो मेन राइवल होती है वो होती है सावित्री, इन्हें सब लोग रानी माँ कहते हैं। वो सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रही होती है रण राजस्थान में, और वो अपनी दो बहुएं काजल और बिजली के साथ साथ अपनी बेटी शांता के साथ ये कार्टेल चला रही होती है, और सारी औरतों को उसने एम्प्लॉय किया हुआ होता है उसी कार्टेल में। तो ये शो इसी ड्रग कार्टेल के ऊपर चलता रहता है, और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी आता है मुंबई से जो कि इसके बारे में पता लगाना चाह रहा होता है। लेकिन ये स्टोरी लास्ट बहुत तगड़ा टर्न लेती है, इसके बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। सो अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो जाके प्लीज एक बार देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको स्पॉइलर मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रानी माँ ने ये अपना डेड और अलाइव वाला खेल क्यों खेला। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जानना चाह रही थी कि उनके घर परिवार में असली मोल कौन है वो जो इंसान जो सारी इन्फॉर्मेशन मंक तक पहुँचा रहा है, और कौन है उनके पीठ पीछे गद्दारी कर रहा है। क्योंकि सब उनके घर वाले ही थे तो रानी माँ भी किसी पर डायरेक्ट शक नहीं कर पा रही थी। लेकिन लास्ट में पता लग गया कि वो कोई और नहीं उनकी छोटी बहू काजल ही थी, जो कि ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि रानी माँ ने उसका बच्चा उनसे बचपन में दूर कर लिया था। सो इसी का बदला लेने के लिए वो मॉन्क से मिल गई और उसने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर रानी माँ ने इससे भी आगे बढ़कर एक खेल खेला और अपने मरे हुए होने का दिखावा किया, और बिजली की जो गर्लफ्रेंड थी नैना उसकी बॉडी का यूज़ करके सबको बताया कि वो मर गई। लेकिन वो ये सब कहीं ना कहीं से देख रही थी, और इसमें उसकी मदद उस पुलिस ऑफिसर ने भी की। सो वो पुलिस ऑफिसर भी ये जान गया था कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है वो मंक के साथ मिल गया है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, चाहे कार्टेल कोई भी चलाए, मंक या रानी माँ। लेकिन रानी माँ ने यहाँ पे एक जो खेल खेला अपना वारिस जानने वाला वो काफ़ी भयंकर था, और आखिरी के कुछ एपिसोड्स में पूरी कहानी इसी पे थी कि कौन वारिस होगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपना वारिस शांता को ही चुनती, या फिर बिजली को, क्योंकि वही दोनों लोग थे उसके कार्टेल में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थे और जो पूरे दिल लगा के अपना काम करते थे। बट शांता क्योंकि उनकी बेटी थी तो शायद वो शांता को चुनती। लेकिन यहाँ पे उनके दो बेटे हरीश और कपिल और उनका मुंह बोला बेटा धीमर, इन तीनों की स्टोरी काफ़ी खतरनाक दिखाई गई। हरीश तो एक कॉमेडियन के रूप में ही यूज़ किया गया है तो उसके कैरेक्टर पे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, लेकिन कपिल का कैरेक्टर एकदम पोलर अपोजिट हो गया और वो धीरे धीरे करके एक निगेटिव टाइप के रोल में आने लगा। तो आगे आने वाले सीजन में कपिल भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस सीज़न में उसको काफ़ी मौका नहीं मिला है, और उसकी पत्नी जो काजल है उसके खिलाफ तो वो कुछ करेगा ही। बात करें धीमर की तो धीमर यहाँ पे एक अच्छा हीरो टाइप का रोल उसने किया है, और वो आगे आने सीजन भी ऐसा करेगा, ऐसा कोई बड़ा ट्विस्ट होगा नहीं उसके रहते हुए। बट जहाँ तक रही वारिस की बात तो मुझे लगता है वो शांता ही थी, और अगर वो नहीं हो तो बिजली हो सकती है। बट मेन काम जो मुझे लगता है कि वो सब तो एक से दिखावा था कि असली मोल का पता लगे, जो कि लाश में पता लग गया हमें कि वो काजल ही थी। लेकिन ये स्टोरी आगे आने सीजन में काफ़ी बड़ा टर्न लेने वाली होगी, क्योंकि मॉन्क ने पूरे जो हवेली है उस पर कब्जा कर लिया है और वो अब बिजनेस वहाँ से चलाएगा, और आखिरी में काजल भी कहती है कि इन लोगों को क्या करना है। तो जहाँ तक तो सबको लग रहा होगा कि इन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन इनमें से किसी को मारा नहीं जाएगा, सबके सब बच जाएंगे और इन्हें बंदी बना के रखा जाएगा, बट रानी माँ इन्हें छुड़वा लेंगी, और इसी तरीके से कहानी आगे थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बनेगी जिसमें मंक और काजल एक साइड होंगे और बाकी रानी माँ के साइड। तो ड्रग कार्टेल वॉर शुरू होने वाली है आगे अगले सीजन में। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको कैसी लगी सीरीज़, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमेशा की तरह आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।